वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजार्ड। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स जो लर्न किया था उसके फार्मूले ड्राइव किए हुए थे। आज हम लोग उन फार्मूलेज को यूज करके जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही टफ होता है। नहीं, न्यूमेरिकल्स को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो बहुत ही इजी हो जाता है। और आज मैं बहुत ही श्योर हूँ कि जब आप वीडियो के एंड तक जो है पहुँचेंगे तो आप कहेंगे वाह, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना आसान है। सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए ही नहीं बल्कि मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जो है नोटबुक और पेन जो है लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए एक सर्किट दी हुई है जिसमें चार रजिस्टर्स जो है कनेक्टेड हैं, R1, R2, R3, R4। सभी रजिस्टर्स की वैल्यू जो है 2 ओम दी हुई है। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मींस यहाँ पर हमें यह फाइंड आउट करना है कि अगर इस पूरे जो है कॉम्बिनेशंस के बदले में ए और बी के बीच में एक सिंगल रजिस्टर्स अगर यहाँ पर जो है कनेक्ट करना हो ए और बी के बीच में तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, दिए हुए प्रॉब्लम्स को पहले हम लोग जो है पार्ट्स में लेते हैं। इस पार्ट्स को आप अभी छोड़ जो भूल जाइए, इसको मैं लेता हूँ R1 R2। देखिए ये R1 R2 में सीरीज कम्बी जो है सीरीज कॉम्बिनेशंस में कनेक्टेड है या पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशंस में था कि जब रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो एक ही पाथ में कनेक्ट होते हैं। यहाँ देखिए R1 और R2 एक ही पाथ में कनेक्टेड हैं, तो ये हम लोगों का R1 और R2 जो है ये हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशंस में है। मान लीजिए इसका जो है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दिस इज इक्वल टू द RS। तो RS की जो वैल्यू हमारी आएगी, RS विल बी इक्वल टू दी R1 प्लस दी R2। R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, 2 प्लस 2 इज दी 4 ओम। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा जो RS आया दिस इज इक्वल टू दी 4 ओम। ये पार्ट हमारा जो है सिंप्लीफाई हो गया। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इन दोनों रजिस्टर्स का लेफ्ट एंड एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, राइट एंड एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो इस तरह का जो है कॉम्बिनेशंस को हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस आएगा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू RP। ये RP की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। R3 इज 1/2, 2 यहाँ पर LCM हो जाएगा, 1 + 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो 1/RP इज इक्वल टू 1, देयरफॉर RP इक्वल टू 1 ओम। अब देखिए ये भी आ गया। अब इसको आप देखेंगे ए और बी पॉइंट्स को, यहाँ पर जो है अब हम लोग 4 रजिस्टर्स से 2 रजिस्टर्स पर आ गए। ये दोनों रजिस्टर्स भी जो है सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पाथ बन रहा है, इसका जो है एक एंड दूसरे से कनेक्टेड है एक ही सिंगल पाथ में। ये दोनों जो है आरपी और आरएस और आरपी जो है सीरीज कॉम्बिनेशंस में हो गए। मान लीजिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो हम लोगों का एक रजिस्टर्स आ रहा है R, जैसे पॉइंट ए, सेम डायग्राम जो यहाँ पर था। अब देखिए R इज दी सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ RS एंड RP, RS RP। RS की वैल्यू जो 4 ओम है, RP की वैल्यू 4 एम है। देखिए किस तरह से हम लोगों ने दिए हुए सर्किट्स को पार्ट्स में ब्रेक किया। एक पार्ट ये था,
जिसको जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड था, एक पार्ट ये जो पैरेलल में कनेक्टेड था। सीरीज़ का हम लोगों ने यहाँ पर कम्बिनेशन निकाला, पैरेलल का जो है यहाँ पर निकाला, फिर दोनों को कंबाइन किया और इस फिर ये दोनों ये कम्बिनेशन जो है सीरीज़ में है इसका इक्विवेलेंट निकाले और यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू 5 ओम आ गए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर जो है 5 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, R1, R2, R3, R4, R5। ए और बी पॉइंट्स के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। यहाँ पर देखिए सर्किट देखने में लग रहा बहुत टफ है, ऊपर भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, नीचे भी कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल में होगा या सीरीज में होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको जो है पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो मूव करेंगे और बहुत ही ईजिली इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल डरिए मत। देखिए इस पॉइंट पर फोकस करते हैं, ए और बी, ए पॉइंट यहाँ पर हो या यहाँ पर एक वायर है कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स में R1 और R2 अगर मैं देखूँ, इसका मैं डायग्राम जो है दोबारा ड्रा कर देता हूँ। देखिए जब आप पार्ट्स में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सी लगेगी। यहाँ पर मेरा जो है R5 दिया हुआ है, दैट इज़ 30 ओम। ये रजिस्टर जो इस तरह से कनेक्टेड है, अगर मैं इसी रजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्टेड कर दूं तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा ये सीरीज में है या पैरेलल में। दिस इज माई R1, दिस इज दी R2। इसी तरह से R3 और R4 को चेंज कर लेते हैं डायग्राम। दिस इज माई R3, दिस इज दी R4। अब देखिए R1, R2 ये मेरा जो है सीरीज में कंबाइंड है, R3 और R4 ये मेरा जो है सीरीज में कंबाइंड है। हम लोग एक इसका इक्विवेलेंट जो है डायग्राम बनाते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए बी, दिस इज माई R5। दिस इज माई RS1। एक यहाँ पर रजिस्टर जो है कनेक्ट करते हैं, दिस इज माई RS2। देखिए RS1 इक्विवेलेंट रजिस्टर्स है सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ R1 एंड R2 को। RS1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 3 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 ओम। अब ये मेरा एक रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम का। अच्छा देखिए R3 और R4 ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशंस है, RS2 इज इक्वल टू दी R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू जो है 6 ओम है, R4 की 4 ओम है, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 ओम, ये मेरा आ गया 10 ओम। अब देखिए ये डायग्राम यहाँ से कितना हम लोगों ने जो है स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके यहाँ पर जो है आ गया। R5 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 30 ओम। अब देखिए 3 रजिस्टर्स हैं, R1, ये RS1, R5, RS2, ये तीनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है। देखिए तीनों का एक एंड ए पर कनेक्टेड है और इसका इस साइड में तीनों एंड बी पॉइंट पर कनेक्टेड है, ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इसका अगर मैं एक इक्विवेलेंट बना दूं नीचे, दिस इज माई पॉइंट ए पॉइंट बी एंड दिस इज दी RP, यही हमारे RP की वैल्यू निकालनी थी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है उसका फार्मूला हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/R5 प्लस 1/RS2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/5 प्लस 1/30
प्लस वन अपॉन टेन, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 30, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 इंटू वन 6 प्लस वन, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस वन 7, 7 प्लस 3 इज 10, 10 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3। ये 1 अपॉन आर पी है, देयरफॉर आर पी इक्वल टू 3 ओम। ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पी, दिस इज इक्वल टू 3 ओम, और ये हमारा जो है आंसर हुआ। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोगों ने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया और इंडिविजुअल पार्ट्स को सॉल्व किया, उससे हम लोग बहुत ही ईजिली जो है आंसर जो है निकाल लिया। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये एक सर्किट दिया हुआ है, 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं ए बी सी डी पॉइंट्स के बीच में, इच रजिस्टर्स की वैल्यू जो है 2 ओम दी गई है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन ए एंड सी के बीच में। अब आप यहाँ कहें क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है जो ए एंड बी के बीच में निकालें या ए एंड सी के बीच में निकालें। नहीं, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो अलग है, जब ए और बी के बीच में निकालेंगे तो हमारा जो है ये एक पाथ अलग हो रहा है जो हो रहा है ए एंड बी के बीच में, और ये हमारा अलग हो रहा है। जब ए एंड सी के बीच में जाएंगे तो ये देखिए पाथ अलग है और ये पाथ अलग है, तो दोनों के केस में जो है डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, देखिए ए और बी के बीच में एक तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने मार्किंग नहीं किया, चलिए कर लेते हैं। दिस इज माय रजिस्टर आर वन, दिस इज दी आर टू, दिस इज आर थ्री, दिस इज आर फोर। तो ये मेरा आर वन कनेक्टेड है, दिस इज ए पॉइंट ए। लेकिन जब ए और बी के बीच में आप यहाँ पर जाएंगे, देखें 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, इसका जो नेक्स्ट एंड इसके इससे कनेक्टेड है, इसका जो है नेक्स्ट एंड इससे कनेक्टेड, इसको हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय आर आर फोर आर थ्री, दिस इज दी आर टू। अब देखिए जो यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि ये दोनों पैरेलल में होंगे कि सीरीज में होंगे, ये कैसे कनेक्टेड है, सेम डायग्राम को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे मालूम एकदम क्लियर हो रहा है कि R4, R3, R2 जो है सीरीज में है जो है। अब मैं इसका एक इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है ड्रा कर दूंगा, इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रा कर दूंगा। दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और ए और बी के बीच में एक यहाँ पर रजिस्टर आ रहा है, दिस इज माई रजिस्टर। आर एस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आर फोर आर थ्री और आर टू। आर एस इज इक्वल टू द आर फोर प्लस आर थ्री प्लस आर टू, सबकी वैल्यू यहाँ पर जस्ट 2 ओम दी हुई है, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम, आर एस इज इक्वल टू 6 ओम आ गया। अब देखिए आर वन की वैल्यू यहाँ पर जो है 2 ओम दी हुई है, इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे ये एक पैरेलल कम्बिनेशंस में है और इसी का हमें इक्विवेलेंट निकालना है। मान लीजिए इन दोनों का जो हम लोगों का इक्विवेलेंट आएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, दिस इज दी आर पी, तो आर पी की वैल्यू यहाँ पर जो है निकल जाएगी 1 अपॉन दी आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, 6 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 1 3 6 इक्वल टू 4 बाई 6 इक्वल टू 2 बाई 3। देखिए 1 अपॉन आर पी की वैल्यू आई, देयरफॉर आर पी इक्वल टू 3 बाई 2
1.5। तो यहाँ पर जो हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी आया, दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम आ गया, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कह रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, पहला काम इस सर्किट को ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट ए जो ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ। ए और सी के बीच में यहाँ पर देखेंगे दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R4 एंड R3। और ए और सी के बीच में अगर हम इस पास से जाएं तो R1 और R2 कनेक्टेड हैं। अब देखिए ए और सी पॉइंट्स को हम लोग देख करके बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज हैं, और उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। चलिए एक इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो है बना लेते हैं। दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज माय RS1, दिस इज द RS2। RS1 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4, R4 R3 दोनों की वैल्यू 2 ओम है, दिस इज इक्वल टू 4 ओम RS1। ऐसे RS2 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का जो है, इन दोनों को जो सीरीज में है ऐड कर देंगे, 2+2 इक्वल टू 4 ओम। अब ये दोनों रजिस्टर जो RS1 और RS2 है ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, इसका इक्विवेलेंट मान लीजिए RP है, तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2, 1/4 LCM सिद्धि 1+1, दिस इज इक्वल टू 2/4 इक्वल 1/RP इज इक्वल टू दी 1/2, therefore RP इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो है दी हुई प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है पार्ट्स में डिवाइड करें, इंडिविजुअल पार्ट्स को जो है सॉल्व करें, और इस तरह करते हुए हम लोग जो है बहुत ही आसानी से उसका सॉल्यूशन जो है निकाल लेते हैं। आप कुछ जो है न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक से ट्राई कीजिए, मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।